जब तक सांसें चल रही हैं और हमारे शरीर में सांस का एक एक कण है, तब तक अपने आप को कभी हारा हुआ मत समझना, क्योंकि हर रात के बाद दिन के नए दिन की शुरुआत होती है। ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है, चाहे परेशानियां कैसी भी हो। ज़िंदगी में किसी को भी राह पर असफल होने पर कभी अपने आप को हारा हुआ मत समझना, क्योंकि एक सफलता से ज़िंदगी का अंत नहीं होता है और सारी समस्याओं का अंत नहीं होता। यह भी सच है कि जब वक्त आपके खिलाफ होता है तो इंसान अपना सब कुछ हार जाता है, लेकिन एक आत्मविश्वास ऐसी ताकत है, ऐसा शस्त्र है जो हारे हुए को भी जीत तक और जीत की मंजिल तक पहुंचा सकता है, और वो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ हार कर भी जीत जाता है। तो अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। व्यक्ति के मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान में के मन में आत्मविश्वास जागे। विश्वास के बावजूद भी यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और जीती हुई बाजी भी हार जाता है। तो अपनी विश्वास को आत्मविश्वास में बदले। आत्मविश्वास व्यक्ति में जीवने की ताकत पैदा करती है, अपनी राह को पहुंचने में, मंजिल को छूने में साथ देती है। तो ये आत्मविश्वास आपकी ताकत है, आपका शस्त्र है, इसे कभी भी ना छोड़े। चाहे ज़िंदगी में कैसी भी परेशानियाँ आए, आप उसका डटकर सामना करें। आत्मविश्वास की कमी में व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है और हारी हुई बाजी भी जीत जाता है, ऐसी ताकत है इस आत्मविश्वास में। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में कौरव और पांडव जो हैं एक दूसरे के विरोधी थे, और कौरव पांडव से कहीं कई गुना, कई करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे और ताकतवर भी थे, लेकिन उनकी आत्मविश्वास ने उन्हें युद्ध में हार दिलाई। और ऐसा नहीं था कि कौरव बहुत कमज़ोर थे या पांडव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनकी आत्मविश्वास की कमी ने उन्हें जीती हुई बाजी को भी हरा दिया था। और पांडव कमज़ोर होते हुए भी उनसे कम शक्तिशाली और कम सेना के बावजूद भी उन्होंने बाजी जीत ली। पांडव के पास बस एक ही ताकत थी, आत्मविश्वास, और उनके साथ देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास था और अपने आप में आत्मविश्वास था। बस ये दो ताकत उन्हें जीत चिल्लाई। जब युद्ध में वे जीत गए और अंत में, युद्ध के अंत में जब वो धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं, तो धृतराष्ट्र भी अपने आप में शक्तिशाली थे। तब उन्होंने कहा कि बेटा भीम, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपने गले लगाना चाहता हूँ। इस बात का अंदाज़ा श्री कृष्ण को लग गया था। उन्होंने तुरंत भीम के जगह पे एक मूर्ति को उसके उनके सामने रख दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उनके सामने भीम की आकृति और भीम के जैसा ही एक पुतला बनाकर उनके सामने रख दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र उस पुतले से मिलते हैं, उसे इतनी ज़ोर से दबाते हैं और इतनी ज़ोर से अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं उस भीम को ख़त्म करने में। और होता भी यही है, वह लोहे का बना पुतला चूर चूर होकर बिखर जाता है। यह देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन सच्चाई थी कि सच में, वास्तव में
कौरव जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास इतनी ताकत थी कि उन बिना सेना के भी लड़के भी जीत सकते थे, लेकिन उन्हें डर था और उनकी डर ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया और वे अपने आत्मविश्वास से हार गए, जिसका नतीजा हुआ कि युद्ध में पूरी ताकत और पूरी सेना के बावजूद भी वे हार मान गए। तो ये होती है आत्मविश्वास की सही ताकत, जिसने कौरव को हराया और पांडवों को जीत दिलाई। तो चाहे युद्ध पांडवों और कौरवों को ही हो या फिर अपने आप के साथ हो, ताकत आपको झोंकनी ही पड़ेगी और आत्मविश्वास